ग्यारह पॉइंट एक पर बात हो गई थी, एक है दो रेखाओं के बीच का कोण, ये आपके कोर्स से कट गए, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक रेखा ये है, इसका समीकरण है आर बराबर ए वन प्लस लैम्डा बी वन, एक रेखा है आर बराबर ए टू प्लस लैम्डा बी टू, कहानी ये है ये बिंदु ए वन से होकर जा रही है और बी वन के समांतर है, दूसरी रेखा बिंदु ए टू से होकर जा रही है और बी टू के समांतर, ठीक है, जहाँ बी वन बी टू जो है वो समांतर रेखा के सदिश है। अगर हम ये कहें कि बी वन के बी सी, बी सी समझते हैं, तो एक कोच है इसके डी सी जो है एल वन एम वन तथा एन वन है, ठीक है, और बी टू के डी सी एल टू एम टू और एन टू। तो दो रेखाओं के बीच अगर मैं इन्हें आगे बढ़ाऊं तो इनके बीच का कोण ये आएगा थीटा, ठीक है। तो दो रेखाओं के मध्य कोण cos थीटा बराबर आएगा एल वन एम वन एल वन एम टू एम वन एम टू प्लस एन वन। अगर दो रेखाओं के हमें डी सी की जगह डी आर दे रखे, डी आर तो पढ़े यदि रेखाओं के डी आर, डी आर मतलब द्विक अनुपात। आप जो किताबें लेंगे आगे जाके जो पढ़ाई करेंगे उसमें ये थ्री डी जो है वो हमेशा आपके यहाँ आती रहेगी, ठीक है। अगर आप बी एस सी करते हो या बी टेक करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें कहीं भी द्विक कोज लिखी नहीं मिलेगी, थीसिस लिखा मिलेगा या डी आर, डी सी डायरेक्शन कोसाइन और डी आर डायरेक्शन रेशियो। थीसिस की फुल फॉर्म है डायरेक्शन कोसाइन और डी आर की फुल फॉर्म है डायरेक्शन रेशियो। हिंदी में आप समझ गए होंगे, इसे कहते हैं द्विक कोज्या कोसाइन और इसे कहते हैं अनुपात, ठीक है। तो डायरेक्शन मतलब द्विक। तो अगर रेखाओं के डी आर ए वन कॉमा बी वन कॉमा सी वन तथा दूसरी रेखा के ए टू कॉमा बी टू कॉमा सी टू हो, तो एल वन का मान कितना आएगा, ए वन बटे वर्गमूल ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, ठीक है। एम वन का मान कितना आएगा, ए टू अपॉन ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। अगर हम किसी तरह से मान लगा लें ऐसे ही एल टू और एम टू का आ जाएंगे, और यहाँ पर मान रख दो आप कितना आएगा, सुन ए वन ए टू ए वन ए टू बटे वर्गमूल ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, और एल टू का मान अगर निकालेंगे तो आएगा ए टू बटे वर्गमूल ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। आप समझ गए होंगे ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बटे वर्गमूल ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर और वर्गमूल ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस। क्लियर हो गई बात, ये कोर्स में नहीं है लेकिन कंपटीशन में बहुत आता है, कोर्स में नहीं है लेकिन आप कोई भी चाहे यूपी का इंजीनियरिंग का एग्जाम भरो चाहे कहीं भी भरो, ये कंपटीशन में क्वेश्चन आ ही जाता है। वो कहता है दो रेखाएं लंब है ज्ञात करो है या नहीं, या दो रेखाओं का समीकरण दे दिए कहेगा लंब है समांतर है क्या है बताओ। अगर रेखाएं लंब है तो थीटा कितना होगा, नब्बे कॉस नब्बे जीरो, यानी इसका मान जीरो, यानी ए वन ए टू प्लस बी वन ए टू प्लस सी वन सी टू बराबर जीरो। यहाँ लगेंगे एल वन ए टू प्लस एम वन ए टू प्लस एन वन ए टू बराबर जीरो, तब जब दो रेखाएं लंब। तो यदि दो रेखाएं लंब हैं तो संगत जो डायरेक्शन कोसाइन से रेखाओं के उनका गुणनफल का योग शून्य होगा,
और डी आर शून्य द्विकोण अनुपात उनका भी शून्य होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि द्विक अनुपात है या द्विक कोज्य है, आपको तो तुरंत जैसे पता लगा तो रेखाएं लंब है तो a1a2+b1b2+c1c2=0 रख देना है, या तो वो ये कहेगा लंब है k का मान ज्ञात करो, लैम्डा का मान ज्ञात करो, ठीक है, या पूछ लेगा रेखाएं लंब है या नहीं। और अगर रेखाएं समांतर है तो थीटा बराबर 0। अच्छा समांतर के लिए तो कुछ करना ही नहीं होता है, समांतर के लिए तो dr का अनुपात निकाल दो, और dr का अनुपात अगर बराबर आ रहा है तो रेखाएं समांतर होंगी, यानी a1a2=b1b2+c1c2। ये आपने कहां पढ़ा था? ये क्वेश्चन 10 में पढ़ा, कक्षा 10 में आपने पढ़ा, ठीक है, कि रेखाएं समांतर हो तो ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, ये नहीं पढ़ा था, दो बराबर होते तीसरा बराबर नहीं होता था, लेकिन यहां पे तीनों बराबर होंगे याद, क्योंकि वहां पे वो गुणांक होते थे, यहां पर ये द्विक अनुपात है। चलिए ये कोर्स के बाहर की बात थी लेकिन हमने आपको बता दी, अब हम सवालों पर बात करें। ये इसने दे भी दिया है पेज 486 पर, आप इसको देख सकते हैं। दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी, ये आपको सूत्र याद रखना है, ये सीधे सीधे 6 नंबर दिलवाएगा, ये सूत्र सीधे सीधे आपको 6 नंबर दिलवाएगा। अब क्या करना है, दो रेखाओं के मध्य दूरी क्या है? अच्छा रेखाएं एक ही तल में होंगी या अलग अलग तलों में होंगी? अगर रेखाएं एक ही तल में है और दो रेखाओं के मध्य दूरी आपको ज्ञात करनी है, रेखाएं एक ही तल में है और दो रेखाओं के मध्य दूरी आपको ज्ञात करनी है, समझो हमारी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर एक ही तल में है और समांतर नहीं है तो क्या दूरी निकाल सकते हो? दो रेखाएं एक ही तल में है, हर बिंदु पर दूरी अलग-अलग है, सुन लो, समांतर नहीं है तो क्या इनके बीच की दूरी निकल सकती है? वही से बड़ा होगा, इसे बड़ा होगा, दोनों काट लेंगे दूरी जीरो हो गई, क्योंकि दो रेखाओं के मध्य दूरी जो होती है वो मिनिमम होती है, दो रेखाओं के मध्य तो पता नहीं कितनी दूरी हो जाएंगे भाई, आप इन दोनों बिंदु के बीच की टेढ़ा हो गया सीधा है। ये दो रेखाएं हैं तो इनके बीच की तो इस बिंदु के इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु के इस बिंदु की दूरी, तो फिर हर बच्चे का आंसर लगाएगा, मैथ का आंसर तो एक ही होता है, तो यह सिद्धांत बनाया गया कि दो रेखाओं के बीच की दूरी होगी जो न्यूनतम हो। और आपने नवे में पढ़ा है एक बिंदु से एक रेखा की दूरी न्यूनतम उस पर लंब होती है ना, और फिर आपने दसवें में पढ़ा होगा कि दो रेखाओं के बीच की दूरी उन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम होगी, और ग्यारहवीं में अब आ गए हो आप, ठीक है, इतना तो आपके अंदर कॉमन सेंस डेवलप हो जाना चाहिए कि दो रेखाओं के बीच की दूरी निकलेगी तो वो दोनों के बीच की जो भी मिनिमम दूरी होगी वो ही मानी जाएगी, अगर रेखाएं समांतर नहीं है तो उनके बीच की मिनिमम दूरी तो जीरो हो गई आगे बढ़, लेकिन समांतर है तो मिनिमम दूरी इसके और इस बिंदु की निकालोगे तो ज्यादा हो जाएगी, मिनिमम कौन सी होगी जो लंब होगी दोनों पर, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो रेखाएं हैं वो एक तल में, क्योंकि एक ही तल में अगर रेखाएं हैं तो समांतर अगर है तब तो दूरी निकाल सकते हो, और समांतर नहीं है तो एक ही तल में स्थित रेखाओं की दूरी नहीं निकाल, हमारे पास जो रेखाएं हैं वो तल में नहीं है, वो त्रिविमीय क्षेत्र में जहां पे हम बैठे हैं, तो एक रेखा ऐसे है एक रेखा ऐसे, अब बताओ इनके बीच की न्यूनतम दूरी आ जाएगी जो लंबत होगी, ऐसे रखो तो इनके बीच की जो भी लंबत दूरी आएगी ये लो ये आगे बीच की लंबत दूरी, ये वाली ज्यादा है ये वाली ज्यादा है, हम दूरी कहेंगे नहीं इसको, दूरी कहेंगे इसको जो सबसे कम होगी, दो ऐसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो न्यूनतम होगी, एक बिंदु इस रेखा पर एक बिंदु इस रेखा पर, जो भी न्यूनतम दूरी है वो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये तो बात आपके कंसेप्ट समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें रेखाओं में होती, क्या होती है रेखाओं में, सबसे पहले दो रेखाएं R बराबर a1+λb1 तथा R बराबर a2+λb2
किस तरह की रेखाएं हैं, बिंदु जा रही है, एक रेखा तो बिंदु A1 से होकर जा रही है और किसके समांतर है, सदिश B के समांतर है। दूसरी रेखा होकर जा रही है बिंदु A2 से और किसके समांतर है, B2 सदिश के समांतर। तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी आएगी वो इनके बीच परस्पर लंब होगी, ये भी 90 है और ये भी 90। अब ये जो रेखाएं मैंने यहां बनाई है ये एक तल में नहीं है, वरना दिमाग में यह आएगा कि तो मिल जाएगी यार, एक तल में नहीं है, एक यहां है एक यहां है, ऐसे देखो। अब आ रही है इनके बीच की दूरी है, एक यहां से इस वाले बिंदु को मिलाती है, ये व्यवस्था है, ये इस तरह दिमाग में आ गया कंसेप्ट, ये लंबवत क्यों है। आप कहोगे ये 90-90 ये तो एकांतर कोण बराबर, ये समांतर क्यों नहीं है, ये कौन सा गणित पढ़ाया जा रहा है, ये गणित आपको त्रिभुज में पढ़ाया जा रहा है, द्विभुज में नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप द्विभुज में सोच रहे हो, लेकिन त्रिभुज में सोचोगे तो बताओ ये स्थिति संभव है नहीं, ये भी कोण 90 ये भी कोण 90 और ये समांतर नहीं है, ये किधर जा रही है, कैसे जा रही है, समझ में आ गई, काटेंगे एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो इनके बीच की दूरी का सूत्र है B1 क्रॉस B2 A2 माइनस A1 बटे B1 क्रॉस B2 का मॉड, ये है इन दो रेखाओं का। और यहां पर एक शब्द का मैं प्रयोग कर लूं तो ये भविष्य में आपको काम आएगी, इंटर में तो काम नहीं है। दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, इसका सूत्र है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बटे B1 क्रॉस B2 का मॉड। क्लियर हो गया, और इसका भी मॉड, इसका भी मॉड निकालने का फायदा नहीं, ये तो खुद ही अधिश राशि निकल के आएगी, ये तो खुद ही अधिश राशि आएगी। चलो अब ये सिद्ध करते हैं कि ये दूरी ही है, क्या सिद्ध कर रहे हैं, दूरी है, दूरी। मतलब हमें कैसे विश्वास हो ये फार्मूला जो है कहां से आया, इसके पिताजी कौन है, ठीक है देखते हैं। ये है B2 और ये है B1। हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, एक वेक्टर A एक वेक्टर B, और हम इन वेक्टर का क्रॉस निकालते हैं तो ये वेक्टर दोनों के लंबवत